दोस्तों मैं लखनऊ में हूँ और जब मैंने अपनी ऑनलाइन ऑटो बुक की तो मुझे ये ऑटो सामने देखने को मिली। जनरली जो ऑटो देखने को मिलती है वो ग्रीन कलर की होती है, सीएनजी वाली होती है, बट इसको देखने के बाद थोड़ा अलग लगा। तो जानने के बाद मुझे पता चला कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो है और मुझे लगा ट्रैवलिंग करने के साथ साथ इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली जाए और आप लोगों के साथ भी इस जानकारी को साझा किया जाए। तो हम इस गाड़ी में, इस ऑटो में ट्रैवल करेंगे और जहाँ हमें जाना है, जाते जाते हम रास्ते में ही इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और इस गाड़ी की जो जानकारी है मैं आपको नहीं दूंगा, इस गाड़ी के जो ओनर हैं, ओनर कम ड्राइवर हैं, मतलब जो इस गाड़ी को चला रहे हैं वही इस गाड़ी के मालिक भी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस ऑटो में क्या खास है, कितने की ये ऑटो आती है, किस कंपनी की है और क्या इसका माइलेज वगैरह है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अंदर का लुक दिखा देना चाहता हूँ, जो अंदर का व्यू है। हालाँकि जो सीएनजी ऑटो आती है सेम उसी तरीके से इसका भी लुक है, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गया, बट बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो है। तो चलिए ड्राइवर साहब से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऑटो में क्या खास है। और अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर से ये ऑटो है, ये ब्लू कलर भी इसको थोड़ा अलग बनाता है जिससे ये डिफ्रेंशिएट होती है नॉर्मल जो सीएनजी ऑटो आती है या डीजल ऑटो आती है, जो कि ब्लैक कलर में या येलो कलर में होती है या ग्रीन कलर में होती है। तो आप कलर देख करके ही थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी अलग है, अदरवाइज इसके लुक को देख करके, आप बनावट को देख करके आप समझ नहीं पाओगे कि ये ऑटो दूसरे ऑटो से कैसे अलग है। तो अंदर से ये लगा कि ट्रैवलिंग करते करते इसके बारे में जानकारी लेते हैं और आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो इस गाड़ी के जो ओनर हैं उन्हीं से हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, चलते चलते बात करते रहेंगे। तो चलिए पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ खास है इसका, क्या क्या दिया यहाँ पे सिस्टम। बस मीटर है ना आपका, सारा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या है हैंडल में, हैंडल में ये लाइट का जो वो है डीपर है ना, हो गया, हाँ ठीक है, अपर और बी हॉर्न हो गया, ये हॉर्न है, इंडिकेटर है, उस साइड क्या है, उस साइड कुछ नहीं है ना, उस साइड कुछ भी नहीं, नीचे जो वो दिया है ये गियर बॉक्स है, ये फॉरवर्ड न्यूट्रल बूस्ट एंड रिवर्स। ये बी मतलब बूस्ट क्या हुआ, बूस्ट मतलब इससे अच्छा, मतलब पावर बढ़ाने के लिए, बहुत तेज पावर बढ़ जाएगा। नीचे वो जो नीले कलर का लगा है आई कनेक्ट करके क्या लिखा है, ये है जीपीएस। अच्छा जीपीएस है, ट्रैकिंग सिस्टम, हाँ। अच्छा तो ये कंपनी लगा के दे रही है, कंपनी लगा के दे रही है, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, हमें आवश्यकता नहीं। अच्छा उधर वो लाइट के लिए क्या स्विच दिया हुआ ऊपर टेस्ट बोर्ड पे, ये लाइट का है, हेडलाइट के लिए, कपड़ा थोड़ा ऊपर करिएगा, लाइट हो गया, हजार लाइट हो गया, बीच वाला क्या है, ये वाइपर, बीच वाला वाइपर है, हाँ। और लेफ्ट साइड वाला राइट लाइट है, और राइट साइड वाला आपका डिपो हो गया, हाँ, हजार लाइट हो गया, हाँ। और कहीं कोई स्विच 12 वोल्ट वहाँ पे, वो क्या नॉब बना हुआ है अंदर, कौन सा वो जो नॉब, ये हाँ। ये मोबाइल चार्जर, अच्छा मोबाइल चार्जर है, और कोई चीज है इसमें बचा हुआ, नहीं। ये क्या लगा है यहाँ पे, ये ऊपर, ये इसके अंदर जो फ्यूल बॉक्स है, और नीचे ये क्या फिल किया हुआ है बॉक्स में, ये ब्रेक आयल है, हाइड्रोलिक ब्रेक है ना ये। तो एक बार चार्ज करने पे कितने किलोमीटर चल रही है ये, 120 और हाई स्पीड, हायर स्पीड कितनी है, हायर स्पीड फॉरवर्ड पे तो ये 45 से 50 के बीच चलती है, हाँ, और बूस्ट कर देने पर 60-65 चलती है। अच्छा बूस्ट हम लोग करते नहीं, 45 से 50 की मतलब स्पीड नॉर्मल है, हाँ। बूस्ट करने पे 50 हो जाती है, बूस्ट करने पे क्या होगा, बैटरी ज्यादा जाएगा, बैटरी 10 गुना एक्स्ट्रा देगा, 10 गुना एक्स्ट्रा जाएगा, और 120 किलोमीटर रेंज बताया ना आपने, हाँ। और कितने घंटे में चार्ज हो जाती है पूरी, कंपनी ने 3 घंटा 45 मिनट बताया है, हाँ। लेकिन आज तक हमने 3 घंटे से ज्यादा तो कभी लगाया ही नहीं, फुल हो जाती है। अच्छा 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, गाड़ी आपकी खुद की है, तो मतलब घर पे ही चार्ज करते होंगे, घर पे चार्ज करते हैं हम, मोबाइल में इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अच्छा स्कैन करते हैं बैटरी को, मतलब ऐप होगा मोबाइल में, हाँ पियाजियो की तरफ से, पियाजियो की तरफ से नहीं एमरॉन की तरफ, अच्छा बैटरी वाले जो है, बैटरी जो इसमें लगी है एमरॉन की, हाँ, उनका आप खुद का एप्लीकेशन है, हाँ, उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चल रहा है कि कितने परसेंट जो है बैटरी वो तो दिखा ही रहा है, उसके 29 की स्पीड है, जो राइट साइड में चार खूंटी दिखा रही है, ये क्या है, बैटरी है ना, ये बैटरी है, हाँ ठीक है। तो गाड़ी अच्छी है, मतलब बहुत बेहतरीन गाड़ी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमको लगा था क्योंकि जब गाड़ी में बैठे ना कलर भी अलग लगा हमको, और गाड़ी देख के इसमें साउंड नहीं था तो मुझे समझ में आया कि लग रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो कितना दिन हुआ गाड़ी लिए, ये गाड़ी अभी हमको
नियर अबाउट 4 महीने हुए। 4 महीने हुए। कितने की गाड़ी है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेंट किया है। अच्छा, कल या परसों आ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, लखनऊ में इसका जो है सर्विस सेंटर नहीं। अच्छा, लखनऊ में शोरूम ही नहीं है इसका। तो गाड़ी कहाँ से ली थी आपने? कानपुर से। अच्छा, गाड़ी कानपुर से लेके आए हैं आप, और यहाँ पे भी डीलरशिप नहीं है? यहाँ डीलरशिप है नहीं, तो सर्विस के लिए प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने पुणे में कॉल किया जो है कस्टमर केयर। हाँ, पुणे है इसकी ऑफिस। अभी मेरा एक कलीग है, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है इसी कंपनी में। अच्छा, इसी वजह से मैं आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो दूसरी कंपनी में हूँ। तो उन्होंने हमको एक नंबर प्रोवाइड किया, और जब मैंने उस नंबर पे बात किया, हाँ, तो उसने जितने लोगों, जो लोग अट्राइज थे इस काम को करने का, हाँ, सारे लोगों में हड़कंप मच गया। अच्छा, कंप्लेंट करने पे? हाँ, पहले तो प्यार से मैं बोल रहा था, हाँ, भाई आ जाओ यार, हमारी गाड़ी तो खड़ी तो नहीं है। बोला कि हमारी गाड़ी 4 दिन से खड़ी है। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बात। हाँ, अगर बेचना हुआ तो कहेंगे आप परेशान ना होइए मिश्रा जी। तो दोस्तों, आई होप मिश्रा जी ने पूरी जानकारी आपको इस गाड़ी के बारे में दे दी है। थोड़ा वो नाखुश थे, बट आई होप कंपनी के लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ठीक।